हेलो दोस्तों, देखिए हम स्पॉन्ज बनाने जा रहे हैं। हम कढ़ाई पैन बैठा दिए हैं, कढ़ाई बैठा दिए हैं गैस पे। अब इसमें डालेंगे। हेलो दोस्तों, देखिए ये चीनी वाला पानी है। अब इसमें और डालेंगे चीनी। हम गैस को हाई फ्लेम पर पकाना है। इसमें और पानी ऐड करना है। 2 गिलास पानी ऐड किए हैं। तब तक ये चीनी के लिए पाग बन रहा है। ये पाग बना रहे हैं। आप स्पंज बनाने के लिए खोल जाएगा पानी, ये खोल जाएगा। उसके बाद हम तब तक छेना फाड़ कर वो गोली जैसा बनाएंगे। इसमें इलायची डाल दे रहे हैं कि थोड़ा स्वाद लगे। देखिए मैंने छेना फाड़ लिए हैं। छेना फाड़ने के बाद इसको एक थाली में लेकर मस लेंगे। देखिए मेरा छेना फट गया। अब इसको ऐसे ऐसे मस लेंगे। देखिए ऐसे ऐसे मसलेंगे। ये मसल लेंगे, इसमें से तेल जैसा छोड़ देगा, तो समझिए ऐसे ऐसे मसलेंगे हम। देखिए ऐसे ऐसे मसलेंगे 5 मिनट तक। तो देखिए मसल लिए, इसमें अब इलायची डाल रहे हैं। देखिए अब ऐसे ऐसे हम लंबा कर रहे हैं। लंबा कर पीस बना कर तब गोल गोल करेंगे। लंबा कर लिए, अब पीस बनाएंगे छोटा छोटा। अब इसको गोल बना देंगे। देखिए दोस्तों, अब हम गोल गोल बना लिए हैं। अब पानी खोल रहा है, इसमें डालना है 1.5 किलो दूध में हम स्पॉन्ज बनाएंगे। देखिए कितने, आधे घंटा में मेरा स्पॉन्ज एकदम रेडी हो जाए। देखिए हम अब स्पॉन्ज इसमें डाल रहे हैं छेना वाला। आप लोग भी घर पे बनाइए घरेलू नुस्खा बहुत जल्दी। मेरा वीडियो देखिए और बनाइए। सब्सक्राइब मेरा वीडियो को दीजिए। अब इसको ढक देंगे ढक्कन से, थोड़ा खुला ही ढक्कन से ढकना है। इतना खुला ही रहना है, रखना है, पूरा नहीं ढकना है। देखिए स्पंज को थोड़ा हल्के हाथों से इसको ऐसे ऐसे कीजिए कि थोड़ा उलट पुलट हो जाए। इतना थोड़ा, ऐसे पूरा ना ढके, थोड़ा इनको खुला ही रखना है। अगर आपका पानी कम लगे तो गर्म पानी थोड़ा डालते रहिएगा इसमें। देखिए स्पंज कितना मस्त बना है और पक रहा है, अभी पक रहा है। देखिए कितना खिला खिला हुआ है मेरा स्पंज। देखिए मेरा स्पंज पक रहा है।